राम का नाम संसार में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। राम केवल किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं, कण कण में है, और राम का नाम समस्त प्रकार से इस संसार के भवसागर को पार करने वाला है। राम ईश्वर अनंत प्रकार से जो भी जितने भी नाम है वो सब राममय ही है, और लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार अपने ज्ञान के अनुसार से उसी स्वरूप को पूजते हैं। तो इसी प्रकार से आश्रम जी ने इस प्रकार सुंदर कार्य किया है। राम के प्रति, भारत के प्रति, स्वाभिमान के प्रति, भारत के स्वाभिमान के प्रति उस मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है उसके प्रति, भारत की अपनी संस्कृति के प्रति हम सबको यही शिष्ट कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ से लेकर अयोध्या तक पदयात्रा करने का सुंदर कार्य, ईश्वर की कृपा से आनंदमय भाव बना रहे और समस्त प्रकार से कल्याण का युग बने और समस्त भारतवासी और आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार से कल्याण का युग बना रहे हैं और ईश्वर की कृपा से समस्त प्रकार से जनमानस में आनंद का भाव उत्पन्न करने के लिए, शांति का भाव उत्पन्न करने के लिए आपका जो ये कार्य है बहुत श्रेयकर है। आनंद का भाव उत्पन्न भारत माता पड़े कि मंदिर बनाने के लिए हमें कानून के पास जाना पड़े, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये गलत बात है। हम जितने भी यहाँ पर मुस्लिम भी हैं वो भी कन्वर्टेड है हिंदू से, जितना इतिहास मुझे पता है कि सारे सब हिंदू से कन्वर्ट किए, क्योंकि जो मुगल्स आए, जो आक्रांता जिनको हम लोग कहते हैं, उन्होंने आके सबका धर्म परिवर्तन करवाया। सारे रहते हिंदू भाई ही थे लेकिन किसी को मुसलमान बनाया, फिर क्रिश्चियंस ने किसी को ईसाई बना दिया, है हम सब सनातनी मुसलमान ही। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे सपना आया कि प्रभु श्री राम दिखाई दिए आचार्य जी आपके आशीर्वाद से, और उन्होंने कहा कि पहले तो लड़ती थी, अब जब मंदिर बन गया तो नहीं आ रही है। तो मैं सपने में ही बोला जी जी मैं आऊंगी, उन्होंने कहा पैदल आएगी। लेकिन मैंने कहा जी जैसा आदेश प्रभु का। फिर मैंने आंख खोली तो एक बड़ा मन में बेइंतहा शांति और चारों तरफ बड़ा जैसे खुशबू उड़ रही थी। तो फिर मैंने कहा ये भगवान का आदेश है, दौड़ती हुई चली जाऊंगी। और आप सबका प्यार, आचार्य विक्रमादित्य जी को आपने देखा, आज ही मेरी बात हुई और मैंने जैसे ही बताया आचार्य जी ने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा आपका आशीर्वाद भी लूंगी, और आप देख ही रहे उन्होंने किस तरह से मुझे आशीर्वाद दिया है। इससे मेरा दिल जितना प्रफुल्लित था और ज्यादा बढ़ गया मेरा हौसला भी। और क्योंकि मैं पदयात्रा करूंगी सब डरा भी रहे थे, और कुछ लोग जो मेरी कम्युनिटी के हैं थोड़ा मुझे डराते हैं कि आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगी, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने बोला जब उससे लगन लगाई है, भगवान तो एक ही है ना, जाने दीजिए मुझे। मैं अगर इस्लाम धर्म में जन्मी हूं तो मुझे कोई वहां से ना हटा सकता है, ना हिला सकता है, ना डिगा सकता है, और मुझे किसी मुल्ला मीडिएटर्स की जरूरत ही नहीं है। अब मेरी प्रभु श्री राम से लगन लगी है, वो मुझे बुला रहे हैं, मैं दौड़ती चली जाऊंगी। प्रभु श्री राम चाहे तो फूलों पे उठा के 5 मिनट में पहुंचा दे, और जितने भी दिन लगे, मेरा राम मंदिर 22 जनवरी को ही पहुंचने का कोई लक्ष्य नहीं है। जल्दी पहुंच सकती हूँ, देर से पहुंच सकती हूँ, पर दृढ़ निश्चय है मेरा पहुंचूंगी। सनातन क्या सिखाता है? सनातन का मूल उद्देश्य है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, मनुष्य के अंदर आस्तिक बनो चाहे नास्तिक बनो, वो तो बात की बात है। मनुष्य बनने का यदि हम संकल्प ले लेंगे तो सुंदर प्रकार से आज सुंदर तरीके से शबनम जी ने पूरे भारत के समक्ष एक ऐसा कहूंगा इतिहास रचने का प्रयास किया है। इतिहास रचने जा रहा है कल पैदल राम के लिए, राम के मंदिर के लिए अपने संकल्प में आए भगवान के लिए, इष्ट के लिए। वो सुंदर तरीके से एक हम सपना देखते हैं भूल जाते हैं, सुबह पता नहीं क्या होगा। शबनम जी ने सपना देखा और रात भगवान को मान लिया। सपना लोग कहते हैं अरे भूलो, सपना ही तो था। यहां सपने को सत्य मानकर
परमात्मा को सत्य मानकर उनका अनुसरण करने के लिए जो उनके मन में प्रेरणा आई है, राम का ही वचन मन में आया है और सुंदर तरीके से वो पूरा कर रही है, मैं कहूंगा यही भक्ति, यही इबादत है और यही अरदास है, यही वास्तविक तौर पर उस खुदा का ऊपर वाले का नाम लेने वाला है हमारे अंदर। वो राम भी है, रहीम भी है, सब कुछ है, तो हम क्यों ना अग्रसर हो, आनंद भाव से चले। तरीके से आज हमारे राजू जी ने शबनम जी की यात्रा के लिए उनका स्वागत करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए राम नाम का मटका उनको उपस्थित कराया और राम के सहारे से आज सुंदर यात्रा का आरंभ होगा और समस्त प्रकार से सुंदर अयोध्या के अंदर जाकर भगवान के लाल के दर्शन करेंगे। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना।